अब आपका है हाइपरबोलिक प्रोसेस। तो हाइपरबोलिक प्रोसेस है क्या? ठीक है, हाइपरबोलिक प्रोसेस जो है वो सेम एज आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अब जैसे आप बताया था हमने कि जो भी आपके दो फंक्शन का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट अगर है तो आपका जो ग्राफ बनता है वो किसके, जैसे मान लो मैथमेटिक्स में x into y is equal to constant है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या ऐसे बनेगा, तो ये क्या हाइपरबोलिक है। तो हमने PV is equal to constant जो लिया था मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसका ग्राफ भी क्या है यही है। तो हाइपरबोलिक प्रोसेस जो आपका है वो सेम एज आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने जो कैलकुलेशन करी, वर्क डन, हीट ट्रांसफर, इंटरनल एनर्जी, वही सेम आपकी यहाँ पे होंगी। ठीक है, जैसे इसमें मैंने लिखा भी है कि इट इज सिमिलर टू आइसोथर्मल प्रोसेस, सेम भाई आपका ग्राफ बना हुआ है, भाई आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक प्रोसेस, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है ग्राफ की, ये शेप जो है ये आपके हाइपरबोला की शेप है। ठीक है, हाइपरबोला की शेप है, इसीलिए इस प्रोसेस को हाइपरबोलिक प्रोसेस कहते हैं। सेम क्या है आपका PV is equal to constant, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें आगे क्या है, अगर हम इसमें बात करें वर्क डन, सेम आपका फॉर्मूला आ रहा है P1 B1 LN B2 / B1 या P1 B1 LN P1 / P2 कैसे आया। ठीक है, वो आप ये देख लेते हैं हम, जैसे आपके पास क्या है PV is equal to constant और वर्क डन क्या है 1 से 2 dW और ये इंटीग्रेशन B1 से B2 P into dV। तो अब क्या है B1 से B2 P की जगह हम क्या लिख देंगे C/B, जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में किया था, C को बाहर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा B1 से B2 1/B और ये dV। तो 1/B का जो इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x का हो जाता है LN x, मतलब LN b, और आपके पास ये क्या है B1 से B2, तो ये क्या हो जाएगा C LN b2 - LN b1। जब हम स्लो हम क्या रखते हैं, ये आपकी लिमिट हायर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये आपका क्या हो जाएगा C LN b2 / b1। अब C की जगह क्या आ जाएगा आपका यहां से P1 b1 = P2 b2 = C, तो ये आपका क्या आ जाएगा W12, ये आपका आ जाएगा P1 b1 LN b2 / b1, ये आपका आ गया। ठीक, सेम आपका। ठीक, अब आपको ये पता है कि P1 b1 अगर हम यहां से लिख दें कि P1 / P2, तो यहां से क्या आ जाएगा ये B2 / B1, ये तो ये B2 / B1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं W12 = P1 b1 LN P1 / P2, ये आप लिख सकते हो, सेम प्रोसेस आ गया। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वही सेम आपकी इसमें होंगी, सेम फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि क्या है सेम आपका प्रोसेस है। इंटरनर्जी जीरो क्यों हो रही है, क्योंकि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपकी ये क्या होती है DU m into CV T2 - T1, क्योंकि T1 आपका T2 बराबर है तो DU आपका क्या हो जाएगा जीरो, तो आपकी इंटरनल एनर्जी इसलिए जीरो हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इंटरनल एनर्जी आपकी कोई चेंज नहीं होगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि Q = DU + W, तो आपकी ये चीज तो जीरो है, तो सिंपली हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगी इसमें भी W12, मतलब चेंज ये हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों बराबर होंगे इस प्रोसेस में भी, ये देखो लिखा है। ठीक है, तो हाइपरबोलिक प्रोसेस हो चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आपके क्या होगी कैलकुलेशन सेम होंगी, सेम फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या होगी, वर्क ट्रांसफर हो गया आपका और आपका हीट ट्रांसफर और इंटरनल एनर्जी हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं।